SU-35 की आखिर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो इसे इतना ज्यादा डिफरेंट और मनूवरेबल बनाती हैं? SU-35 की मनूवरेबिलिटी कई एडवांस टेक्नोलॉजीज और डिजाइन फीचर्स का कॉम्बिनेशन है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इसके थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन का है। ये इंजन नोजल से लैस होते हैं जो जेट को अलग अलग डायरेक्शंस रैपिडली चेंज करने में हेल्प करते हैं, जिससे जेट तेजी से अपनी डायरेक्शंस बदल सके और ऐसे एक्सट्रीम मैनूवर्स परफॉर्म कर सके जो ट्रेडिशनल फिक्स्ड नोजल एयरक्राफ्ट के लिए परफॉर्म करना इम्पॉसिबल होता है। SU-35 की थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी इसे डॉग फाइट में हेल्प करती है, जो कि इसे अपने ओपोनेंट्स को डिफीट करने में हेल्प करता है और आने वाले खतरों से भी ये काफी फ्लेक्सिबली बचाव करने में एलिजिबल होता है। SU-35 का एक और ऐसा एस्पेक्ट है जो इसे इनहेंस करता है और उसकी मैनूवरेबिलिटी को बढ़ाता है, और वो है इसकी एरोडायनेमिक डिजाइन। इस एयरक्राफ्ट के एयर फ्रेम को डिजाइन किया गया है टू जनरेट हाई लेवल ऑफ लिफ्ट वाइल मिनिमाइजिंग ड्रैग, जो एक्टिव और फ्लेक्सिबल मैनूवरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SU-35 में एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटो पायलट सिस्टम भी है जो कई ट्रेडिशनल और यूनिक फ्लाइट फंक्शंस को मैनेज करता है, जिससे एयरक्राफ्ट किसी भी इलाके या कंडीशन में हाई मैनूवरेबिलिटी को मेंटेन कर सकता है। SU-35 का कंट्रोल सिस्टम हाईली रिस्पॉन्सिव है, जो एक ऐसे फाइटर जेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे पल भर में डिसीजन लेने की जरूरत होती है। इस जेट का एवियोनिक स्वीट भी काफी इंप्रेसिव है, क्योंकि इसमें एक एडवांस इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम और न्यू रडार शामिल है जो पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस और जेट की ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज में कंट्रीब्यूशन करता है। इन सारे फीचर्स का कॉम्बिनेशन SU-35 एक सुपर मैन्यूरेबल मल्टी रोल फाइटर जेट बना देता है, जो स्टेबिलिटी और कंट्रोल मेंटेन करते हुए कॉम्प्लेक्स एरियन मैन्यूवर्स एग्जीक्यूट करने में केपेबल है। ये केवल कसकर मुड़ने में केपेबल होने के बारे में नहीं है, बल्कि ये इफेक्टिवली लड़ने और डिफेंड करने की एबिलिटीज को बनाए रखते हुए ऐसा करने के बारे में है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। SU-35 के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।